यूनिट फोर्थ करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है पंप्स एंड देयर इंस्टॉलेशन। इसको इंट्रोडक्शन में है कि डिफरेंट हाइट्स की बिल्डिंग हम दो पर्पसेस के लिए बनाते हैं, या कमर्शियल यूज़ या रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए। कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं जैसे हमारा स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, थिएटर्स हो गए, ऐसी बिल्डिंग्स को हम कमर्शियल बिल्डिंग्स बोलते हैं। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो हम अपने रहने के लिए बनाते हैं, तो इन बिल्डिंग्स की अलग अलग हाइट्स होती हैं, जो 15 फीट से 1000 फीट तक होती हैं। तो इस हाइट पे हम वाटर जो है उसको सप्लाई करने के लिए हम पंप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दूसरा इसका फंक्शन पंप्स का होता है स्लरीज वगैरह को लिफ्ट करने के लिए। स्लरीज हम बोलते हैं जैसे कंक्रीट हम बिल्डिंग्स के डिफरेंट फ्लोर्स पे शिफ्ट करने के लिए भी हम पंप्स को यूज़ करते हैं। तो इसके टाइप्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं ये। तो चलिए हम आज इसका पहला टाइप करते हैं, टाइप्स ऑफ पंप्स में। पहला है एयर लिफ्ट डीप वेल पंप्स। क्या होते हैं देखते हैं। दीज रिलायबल एंड ड्यूरेबल पंप्स आर ऑफन यूज इन डीप डर्टी वेल वेयर द सैंड इज एसिडिक एंड एल्कलाइन। रिलायबल एंड ड्यूरेबल, ये दो वर्ड्स जो हैं, रिलायबल जो होता है मतलब भरोसे वाला, और ड्यूरेबल होता है ज़्यादा टाइम तक चलने वाला, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये पंप्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, डीप वेल्स में इनको यूज़ करते हैं, जहाँ पे सैंड्स की प्रॉपर्टी होती हैं एसिडिक एंड एल्कलाइन। और ये दीज आर ऑल्सो यूज वेयर सिंपल पंप्स डू नॉट वर्क एज दे कलेक्ट मोर वाटर, ठीक है। इन पंप्स को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे दूसरे पंप्स हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़्यादा पानी को लिफ्ट करते हैं। द कंप्रेस्ड एयर इंटर्स द बॉटम ऑफ द पंप एंड लिफ्ट द वाटर अबव। तो इसमें होता क्या है कि जब हम इसको पंप करते हैं तो एयर इसके बॉटम में इंटर होती है टॉप से, जैसे फिगर में आपको बताया है। इसमें एरो जो डाउनवर्ड एरो लिखाया है इसके लेफ्ट साइड में, यहाँ से एयर इसको एंटर होती है बॉटम में, उस एयर प्रेशर की वजह से पानी लिफ्ट होता है इसमें, ठीक है। तो इसका जो आपको फिगर बताइए, ये फिगर्स आप नीट एंड क्लीन अपने नोटबुक्स पे ड्रा करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। डिफ्यूजल पंप्स, दीज पंप्स आर मोर यूजफुल देन अदर पंप्स एंड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दूसरे पंप्स से ज़्यादा यूजफुल होते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, ये मैंने सर्कल जो है इसमें आपको बताया, तो लगा के इसको चेक करिए आप। इसमें क्या होता है कि एक रोप के साथ आप बाल को बांध दीजिए और उसको सर्कुलर घुमाएं अपनी साइड्स पे, तो एक फोर्स जो आपके हाथ पे एक्ट करेगी इनवर्ट साइड, सर्कल से इनवर्ट साइड जो आपके हाथ पे जो फोर्स एक्ट करेगी उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल पिटल फोर्स, और दूसरी फोर्स उसको बाहर वाली साइड धकेलेगी बाल को, आप छोड़ोगे तो वो दूर चला जाएगा बाल। वो जो फोर्स उसको बाहर वाली साइड धकेलती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मुझे यकीन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दे आर यूज टू टेक वाटर एंड अदर लिक्विड टू अ हायर लेवल। जैसे दूसरे पंप्स जो होते हैं वो भी हायर लेवल पे वाटर लेके जाते हैं दूसरा लिक्विड, तो इसका भी वही काम है। दीज पंप्स आर प्लेस्ड वेयर लेस प्लेस इज अवेलेबल, जहाँ पे जगह कम होती है वहाँ पे भी इनको हम लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इनिशियल कास्ट इसकी जो है ऑपरेटिंग कास्ट कम होती है और एफिशिएंट होता है ये। दीज पंप्स आर इजी टू ऑपरेट एंड प्लेस एंड आर अवेलेबल इन मेनी रेंज एंड कैपेसिटीज। तो क्या होता है, ये पंप्स जो है ऑपरेट करना इनको इजी होता है और हर कैपेसिटी में ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है। दे नाइदर हैव अ डिस्चार्ज साउंड और वाल्व, इसकी मतलब जो पानी जब इसमें से आता है तो इसमें साउंड नहीं होती है। दे आर अवेलेबल इन सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज, तो इन सिंगल स्टेज मल्टी स्टेज पे अवेलेबल मिल जाता है आपको। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर कास्ट इन आयरन एंड हैव अ स्टील शाफ्ट ब्रॉन्ज स्लीव कास्ट आयरन इम्पेलर और कास्ट आयरन वेन्स, समटाइम्स द इम्पेलर एंड वेन्स आर इन ब्रॉन्ज। तो ये इसने बताया कि किस किस मेटल का ये इसके पार्ट्स बने होते हैं सारे। तो क्या बोल रहे हैं, ये इसका शाफ्ट जो है ये किसका बना था, स्टील का। उसके बाद स्लीव्स जो हैं ब्रॉन्ज की बनी होती हैं, कास्ट आयरन का इम्पेलर होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस इसने बताया कि ये चीज़ों के इसके पार्ट्स बने होते हैं। तो इसकी आपने फिगर ड्रा करनी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये आपको मैंने समझाने के लिए बताई है, इसको भी अलग से आप कर सकते हैं अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। दूसरा और इसकी थर्ड पार्ट जो है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। तो जो हैंड पंप्स हम आपने देखे होंगे सब ने, इनको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। दिस इज कॉल्ड अ हैंड पंप एंड आर मेनली यूज फॉर डोमेस्टिक
वर्क्स, ठीक है, डोमेस्टिक वर्क्स के लिए यूज़ करते हैं इनको, हम हैंड पंप बोलते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, दे आर ऑफन यूज वी आर रिलेटिवली स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ लिक्विड इज टू बी हैंडल। तो कहाँ पर यूज़ होते हैं, जहाँ पर कम लिक्विड हमको हैंडल करना पड़ता है, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं।